नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अफगानिस्तान में पाक चॉपर की क्रैश लैंडिंग, आतंकवादी संगठन तालिबान ने चॉपर को आग के हवाले किया, विमान में सवार सभी 7 लोगों को बनाया बंधक। अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया जोर का झटका, $30 करोड़ की सैन्य मदद रोकी, हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए दी जाती है मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में सख्ती बरतने का लिया संकल्प, पेंटागन में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल से कहा, अमेरिका और सहयोगी देश आईसिस पर करेंगे आक्रामक कार्रवाई। सऊदी अरब में फंसे हजारों भारतीय कामगारों से मिले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह, सरकारी मदद देने का दिया आश्वासन, निःशुल्क भारत वापसी की कराई व्यवस्था। ईरान में एक दिन के अंदर 20 सुन्नी आतंकियों को फांसी पर लटकाया, हत्यारों और देश की सुरक्षा कमजोर करने का लगा था आरोप, आतंकी समूह तौहीद के सदस्य थे आतंकी। तुर्की में फेतुल्ला गुलेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, गुलेन पर है सैन्य तख्तापलट की कोशिश करने का आरोप, अमेरिका में रह रहे धर्म प्रचारक हैं गुलेन। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।